हेलो एवरीवन, सो आज हम बनाने वाले हैं कस्टमाइज डायरी। जो आप बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो, न्यू ईयर के लिए गिफ्ट दे सकते हो, किसी भी ओकेजनली आप ये गिफ्ट दे सकते हो। इसके लिए हमें लगने वाले हैं ये 10 पेपर्स, कलर पेपर्स, जो हम इंटरनल पेजेस की तरह यूज़ करने वाले हैं। एंड सेम कलर पेपर हम कवर के लिए भी यूज़ करेंगे। देन ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है, हम इससे डेकोरेशन करेंगे या फिर इसको भी एज अ हम कवर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पेपर्स की फोल्डिंग करनी है, सो हम पेपर को वन बाय वन फोल्ड करेंगे इंटरनल पेजेस के लिए। मैं इसको ब्लू को पहले फोल्ड देती हूँ। आपको फोल्ड ऐसे करना है, मेक श्योर कि प्रॉपर वो साइज में सेम रहे, कहीं से आउट नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इसको आपको शेप के हिसाब से प्रॉपर फोल्डिंग देनी है। ऐसे हम बाकी के भी अभी फोल्डिंग्स करेंगे सेम इसकी तरह। जैसे इसको प्रॉपर फोल्ड करते हैं, सही से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दिस मैं कुछ ज़्यादा ही पेपर साथ में लेती हूँ ताकि हमारे फोल्डिंग जल्दी बन जाए। इसे हम प्रॉपर फोल्ड करते हैं, मैं ऑल साइड्स अच्छे से इक्वल कर देना, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए गलती से भी, वरना वो हमें बुक के बाहर दिख के आएंगे। सो ये हमारा लास्ट बचा है फोल्डिंग्स के लिए। लाइक दिस वी आर गोइंग टू फोल्ड इट प्रॉपरली। ये भी बन गया लास्ट। अब हम ये पेपर्स निकाल देते हैं। अब मैं ऐसे करूँगी कि एक पेपर कलर रहेगा, एक दूसरा कलर रहेगा, उसके ऊपर दूसरा रहेगा। सो ऐसे करके मैं सारे थोड़े रैंडम कलर्स मिक्सअप कर लूँगी। सो ये पहले मैं सेपरेट आउट्स करती हूँ सारे पेपर्स अलग अलग, सो दैट मैं एक के ऊपर एक रैंडम कलर्स उसको अटैच कर दूँगी। सो फर्स्ट आई विल टेक दिस वन एंड उसके ऊपर ये मैं लेमन कलर का पेपर यहाँ पे रखती हूँ। इसके ऊपर हम लेंगे नेक्स्ट वन, ये पिंक कलर मैं ले लेती हूँ, बेबी पिंक कलर। यस, इसको प्रॉपर ऐसे एक लाइन में हमें फोल्डिंग में रहना चाहिए, इसको रखना है। आई विल टेक अनदर वन, ये भी एक हो गया। अब मैं व्हाइट रखती हूँ एंड देन आई विल टेक द लास्ट वन ग्रीन। नाउ सेम जैसे सीक्वेंस मैंने इसके लिए रखा है, वैसे ही सीक्वेंस मुझे अपर साइड के लिए रखना है। ऐसे हमने हर एक तीन कलर का, इसे हमने तीन शेड्स लिए हैं। सो सेम सीक्वेंस में अब हम ये शेड्स अरेंज करेंगे। सो ऐसे तीन शीट्स मैंने लिए थे, पहले पर्पल है, सब में यहाँ पे पर्पल ही अप्लाई करूँगी। जो सीक्वेंस है वही मैं सीक्वेंस रखूँगी। वन ऑफ दैट एक मैंने यूज़ किया, अब ये सेकेंड वन है, देन ये वाला। देन उसके ऊपर हमारा लग रहा था ये बेबी पिंक कलर,
सो अब ये अब इसके ऊपर रख दूँगी। देन आफ्टर बेबी पिंक हमारा है ब्लू कलर। तो ये ब्लू में अप्लाई इस पे रखती हूँ। आफ्टर ब्लू वाइट है एंड इसके बाद ये ग्रीन। सेम अभी लास्ट शीट बची है हर एक कलर की, वैसे मैं सीक्वेंस में लगा लूंगी। इसके ऊपर ये फिर ब्लू एक लगेगा। डन वाइट एंड लास्ट हमारा ये ग्रीन होगा। तो ऐसे हमने अरेंज किए है सारे शीट्स। अब इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं हम इसको से ये कलर्स। हम अब इसको अच्छे से टाई करेंगे, अच्छे से इसको पहले सेट कर देते हैं ताकि ये टाई करते वक्त निकले ना कहीं बाहर एक्स्ट्रा से। अब हम इसको टाई करते हैं बीच से। मैं इसको सिलाने वाली हूँ धागे से तो ये अच्छे से फिक्स रहेगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करते बाद में ये कट आउट कर देंगे जो बाहर आ रहा है वो पोर्शन। प्रॉपर इसको सेट किया मैंने अच्छे से। अब मैं इससे पॉइंटर बनाती हूँ जिससे मैं इसको सिलाने वाली हूँ पूरा। मेक श्योर ये कहीं से छूटे ना, एक्स्ट्रा बाहर निकले ना, प्रॉपरली ये सिल जाए। और एक्स्ट्रा अगर बाहर निकलता है आप उसको कट कर सकते हो। इसको अच्छे से वापस सेट करती हूँ। अब मैंने इसको बाय ऑल साइड प्रॉपर से सेट किया है। अब हम इसको पॉइंट्स बनाते हैं जहाँ से मैं इसको सिलाने वाली हूँ बीच में से। तो थोड़े इक्वल पॉइंट्स ले लेना, ये मैंने प्रॉपर इक्वल पॉइंट ले लिए हैं। अब मैं इसको सिलाऊंगी। सो मैं एक कैसे पक्का धागा ले रही हूँ जो इजीली टूट नहीं सकता है। प्रॉपर एक धागा, ये नीडल है। अब मैं इसको इसमें डाल के प्रॉपर एक मेजरमेंट में धागा लेके इसको सिला दूंगी। ये मैंने सफिशिएंट लेंथ का एक धागा ले लिया है। आई नीड दिस मच। तो ये बोथ साइड में टाई करके बस इतना ही ले लूँगी। अब ये काफ़ी है, इसको मैं कट करती हूँ। अब इस ये मैं साइड में रख देती हूँ। सो अब इसको प्रॉपर एक नॉट बनाते हैं सो दैट ये धागा ऐसे नीडल से छूटे ना। यहाँ पे मैं ऐसे एक नॉट बना रही हूँ। नॉट बना दी मैंने। अब इसको मैं हम इस पॉइंट से फोल्ड करके सिला देंगे। तो इसको प्रॉपर मैं अब सिलाती हूँ। अब मैं एक पॉइंट फर्स्ट नीडल से ही मैं पॉइंट बना दूंगी। बट जब आप इसको सिला रहे हो मेक श्योर कि जब आप उसको होल्ड कर रहे हो सो पेजेस कहीं ऊपर नीचे नहीं जाने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सेट रहने चाहिए। बैक साइड से इसको हम मैं इसको प्रेस कर रही हूँ बॉटम से सो दैट ये प्रॉपरली अंदर जाए। ये भी ऐसे होल बना के मैंने प्रेस करके यहाँ से निकाला है। इसको निकाल दिया प्रॉपरली बाहर, मैंने इसको प्रेस किया। सो नाउ मैं अब सेकेंड होल में कर रही हूँ। बट अब मैंने पीछे होल नहीं बनाया था सो मैं अब इसको
जिस साइड से मैंने होल किया उस साइड से पहले नीडल से एक होल्स बना दूंगी, फिर अगेन उसको प्रॉपर वे में सिला दूंगी। यहाँ से मैं होल कर दूंगी, ओनली होल करना है, मैं यहाँ से उल्टा नहीं सिलाने वाली हूँ। बाद में होल करके हम उसको प्रॉपर सीधे से सिला देंगे। जैसे आई मेकिंग होल फ्रॉम योर, वैसे ही प्रेस करके हम होल कर देंगे। तो मैंने ऐसे होल कर दिया है प्रॉपर सी, ये प्रॉपर होल हो गया है। अब मैं नीडल वापस निकाल देती हूँ। नीडल निकाल दी है, अब यहाँ पे होल दिख रहा है। अब मैं दूसरी साइड से इसको अभी प्रॉपरली सिला दूंगी। फिर मैं प्रेस कर रही हूँ नीचे से, अब ये इजीली आ रहा है होल बनने के बाद। और एक मैं इसको एक सिलाई दे दूंगी, सो पीछे वाली साइड से और ऊपर ये अंदर वाली साइड से भी प्रॉपर से धागा फिक्स हो जाएगा। पहले वाला ये हो रहा है तो इजीली बाहर आ गया, थोड़ा धागा लूज हो गया है, इसको हम ठीक कर देंगे। ये लूज धागा है, इसको हम प्रॉपर ठीक करते हैं। ये साइड से इसको थोड़ा सा मैं ढीला कर देती हूँ ताकि आगे से वो प्रॉपरली फिक्स हो जाए। ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक नॉट बनाते, हमें इतना ही ये चाहिए। नॉट इसलिए हम बना रहे ताकि ये धागा निकले ना। सो मैं ऐसे ये यहाँ पे ये एक नॉट देती हूँ, यहाँ से बीच में एक नॉट, अगेन वन मोर, ज़्यादा भी नहीं देने वरना वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। दिस मच इज सफिशिएंट। अभी यहाँ से मैं इसको काट देती हूँ। ओके, तो ये बन गई हमारे इंटरनल पेजेस की सेट। सिर्फ कितने कलरफुल लग रही है, मैंने मोस्टली फेंट कलर लिए है सो दैट आप इसके ऊपर लिख सकते हो। अब मैं इसके ऊपर ये कवर लगा दूंगी। इस पर हम कुछ डिज़ाइन करेंगे, बहुत सिंपल से डिज़ाइन करते हैं सो दैट एवरीवन कैन मेक इट इजीली। इसको भी सेम आपको फोल्ड करना है प्रॉपरली, ऐसे नहीं कहीं कम ज़्यादा हो जाए। प्रॉपर फोल्ड दे दी मैंने। अब डिज़ाइन के लिए आप ये ग्लिटर पेज भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी कुछ आप डिज़ाइंस बना सकते हो बॉर्डर पे साइड में, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्लिटर पेंस। और एल्स आप कोई अलग डिज़ाइंस भी बना सकते हो बाय यूजिंग टीन पेपर्स ओनली। यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स बना दूँगी कटआउट करके सो दैट इज ए अच्छी सिंपल डिज़ाइन बनेगी हमारी। एंड इसको मैं थोड़ा कटआउट करती हूँ, पहले प्रॉपर इसको एक स्ट्रिप्स बनाते हैं इसकी प्रॉपर। सो यू कैन यूज़ दिस कटर और सीजर फॉर कटिंग पर्पज। देन इसको प्रॉपर कट कर देंगे। पहले इसको मैं मार्किंग करती हूँ कि मुझे कितने स्ट्रिप्स चाहिए और कितनी लेंथ की चाहिए। सो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर मार्किंग कर दूँगी, थोड़े ज़्यादा ही करते जैसे लगेंगे वैसे। सेम फोल्डिंग कर रही हूँ ताकि ये लेंथ मेंटेन रहे। तो फोल्डिंग टू फोल्डिंग ही मैं इसको कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मार्किंग कर रही हूँ। तो 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स में स्ट्रिप कर दूँगी एज अ डिज़ाइन। तो नीचे भी मैं करती हूँ ताकि वर्टिकल लाइन सही से आए। हम लाइंस बना देंगे।
यहाँ पे मैं थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिप्स ले रही हूँ, जैसे रिक्वायर है वैसे हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसको कट करती हूँ। यू कैन कट बाय सीजर, बाय कटर, एनी वे जिससे आपको सही से आए। इसको ये फोल्डिंग से ही काट रही हूँ, बिकॉज ये मुझे बस अपर साइड के लिए चाहिए। ऐसे मैं ये पूरे स्ट्रिप्स काट के ले लेती हूँ। ये मैंने कटआउट निकाला है, अब इसके हम स्ट्रिप्स कट करेंगे। जितने भी स्ट्रिप्स बनेंगे मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। सो ये मेरे स्ट्रिप्स है, मैंने कटआउट करके लिए है। अब ये बचा हुआ पेपर हम साइड में रखते हैं और स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको अब ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टिक कर दूंगी लाइक दिस वे, ऐसे, और ऐसे मैं तीन स्ट्रिप्स लगा दूंगी। आई विल ऑल्सो मेक वन फ्लोरल डिज़ाइन, वो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिप्स के बीच में ही आ जाएगी। तो इसके भी बना सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ अनादर कलर आप वैसे भी ले सकते हो। आई एम यूजिंग अनादर कलर, वो थोड़ा सा एकदम लाइट ब्लू में मैं कलर यूज़ करूँगी। तो दिस इज द पेपर जिसके मैं फ्लोरल डिज़ाइन ये बना दूँगी, दो फ्लावर्स बना दूँगी, एक टाइटल के लिए मैंने बीच में डिज़ाइन किया बस के लिए। सो इसको भी मैं थोड़े से फोल्ड करके डिज़ाइन फ्लावर की डिज़ाइन निकाल के वैसे कट कर दूंगी। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी छोटी, हमें इसका फ्लावर बनाना है। इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और एक फोल्डिंग बना दूंगी मैं। इसके पीछे और एक फोल्डिंग बना लेती हूँ। तो आपको एक सिंगल रखना है बड़ा वाला वैसे रख सकते हो, या फिर जो छोटा है, मुझे दो फ्लावर चाहिए तो मैं ऐसे दो फोल्डिंग दे रही हूँ। अब इसको हम एक डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर की और वो कट करके हम इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको ऐसे और एक फोल्डिंग करके वैसे डिज़ाइन बना देती हूँ। तो ये हमने डिज़ाइन निकाली है, इसको हम अभी कट करते हैं, गिव इट अ प्रॉपर शेप। इसकी मुझे से दो फ्लावर्स मिल जाएंगे, एक मैं टाइटल के लिए यूज़ करूँगी और एक मैं डिज़ाइन पर्पस में से स्ट्रिप के साथ यूज़ करूँगी। अब ये मैंने प्रॉपर इसको कट किया है। So here we have two flowers. So एक मैं ऐसे रख दूंगी तो उसके ऊपर स्ट्रिप्स आ जाएगी। So ऐसे मैं तीन स्ट्रिप्स लगा दूंगी, उसकी सबसे मुझे थोड़ा फ्लावर का एक पोर्शन एक स्ट्रिप के अंदर ऐसे मुझे शो करना है इसके ऊपर ऐसे लाइक दिस। सो ऐसे हम डिज़ाइन बना देंगे एंड इसको हम स्टिक करते हैं। एक फ्लावर ऊपर लगेगा ऐसे, एक नीचे एक ऊपर। तो आप आपके हिसाब से जैसे आपको डिज़ाइन बनाना है ऐसे बना सकते हो।
तो अब पहले मैं स्ट्रिप्स को स्टिक करूँगी, फिर फ्लावर को, फिर लास्ट वाला स्टिक उसके ऊपर लगेगा। अब जैसे ये मैंने स्ट्रिप लगाई है, सेम वे नेक्स्ट टाइम एक ये लगा देंगे। अब हम फ्लावर लगा देंगे इसके ऊपर और फिर थर्ड स्ट्रिप लगेगी। अब ये बचा हुआ पार्ट है, हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। ये बाहर निकल के आया हुआ जो पार्ट है, सो इट विल लुक अ प्रॉपर फिनिश। नाउ ये अच्छे से स्टिक हो चुके हैं। अब हम ऊपर वाला फ्लावर जो बचा हुआ है वो लगा देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू Up over. अब ये प्रॉपर स्टिक हो गया। सो दिस इज आर डिज़ाइन स्ट्रिप्स एंड ये दो फ्लावर। सो अब यहाँ पे मैं इसके साइड पे टाइटल एक बना दूंगी। तो ये अच्छे से स्टिक हो गया है। सो आप कोई भी ग्लिटर यूज कर सकते हो, ब्लू या फिर रेड, जो आपको अच्छे लगे। मुझे मैं इस ब्लू से निकाल देती हूँ। तो मैं टाइटल के लिए यहाँ पे लिखने के लिए तीन लाइंस निकाल देती हूँ। तो यू कैन राइट योर नेम, एनीथिंग फॉर होम यू आर गिफ्टिंग दिस। तो आप
उनके नाम भी लिख सकते हो। तो ये से मैंने इसकी लाइन्स निकाली है और ये 3 डॉट्स हो गया। जैसे डिजाइन आप चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। थोड़े से इसको और थोड़ा डेकोरेटिव बनाती हूँ मैं। आई एम यूजिंग सेम पेन ब्लू और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं। ये फ्लावर को हाईलाइट कर देती हूँ मैं, इसलिए इसको प्रॉपर उसकी बॉर्डर के हिसाब से ड्रॉ करना है हमें। हियर वी आर डन, हमने इसको प्रॉपर फिनिश भी दिया है। सो ये मैंने सिंपल डिज़ाइन बनाई है। एनीवन कैन मेक दिस सिंपल डिज़ाइन। अब बारी आती है हमारी इनर पेपर्स की। सो हम इसको स्टिक कर देंगे अच्छे से इनर पेपर्स। मैं इसको सेंटराइज में ऐसे स्टिक करने वाली हूँ। अरे ऊपर उसका कवर। सो हम इसको ब्लू अप्लाई करते हैं। मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको स्टिक करते हैं। मेक श्योर ये प्रॉपरली स्टिक रहे और ये सेंटर में प्रॉपर आप स्टिक करना। तो ये प्रॉपरली मेरा स्टिक हुआ है। सी थोड़ा इसको प्रेस करती हूँ सो दैट ये प्रॉपर स्टिक हो जाए। ये जो मैंने बाहर का कवर पेपर लिया है ये थोड़ा सा थिक है सो दैट कुछ होते कि आफ्टर ग्लू श्रिंक हो जाते हैं। सो ये श्रिंक नहीं होगा, ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है अब इसके साथ। अब ये जो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है बाहर वो निकाल देंगे। सी हाउ इट इज लुकिंग, इट इज लुकिंग वेरी नाइस। ऑल ओवर सिंपल डिज़ाइन है उसके पेपर्स। नाउ हम इसके जो बचा पोर्शन है इसको निकाल देंगे। जो बाहर का निकला वो पोर्शन इसको कट कर देंगे। तो मैं इसको कट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कटर। प्रॉपर इसको कट कर लेंगे।
प्रॉपर उसके कवर पेज के हिसाब से कट कर लेना। सो नाउ मैंने इसको प्रॉपरली कट किया है विद इन द कवर शेप एंड ये फाइनली मेरी एक टैडी बनी है मतलब पेपर्स की इनसाइड पेपर से। सो आप ये डायरी किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, खुद यूज़ कर सकते हो, कुछ और अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन मैंने बनाई है।